वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। इस सेशन में कुछ स्पेशल मशीनरीज ओपन कास्ट से रिलेटेड है और उसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं। आपको केवल और केवल लेक्चर को कंप्लीट सुनना है। इसमें कुछ की पॉइंट्स मशीनरी से रिलेटेड है और उसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशंस में वही सबसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर क्या है। तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर एक ऐसा एक्सकेवेटर है जो कि हमारा सरफेस से मतलब बेंच पे रह कर के उसी तरह से हमारा कोल को काट सकता है, ठीक है। मतलब फेस से कोल को कटिंग कर सकता है अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से, ठीक है। इसका और भी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं बकेट व्हील एक्सकेवेटर के बारे में। तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर आप देख सकते हैं कि इसमें एक डायरेक्ट लोडिंग मेथड से ये करता है, लोड करता है, और एक विंड्रॉइंग मेथड होता है, ठीक है। चूंकि ये आप लोग के लिए नया टर्म होगा विंड्रॉइंग मेथड क्या है। तो विंड्रॉइंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको लगेगा, जैसे देखिए कोयला डायरेक्ट हमारा बकेट हमारा कोल को काटता है, उसके बाद कन्वेयर से बूम कन्वेयर से होते हुए सूट पे जाता है और इस तरह से एक कन्वेयर बेल्ट से होते हुए हमारा डायरेक्ट कोल को माने हीप में हीप फॉर्मेशन करना हमारा विंड्रॉइंग मेथड कहलाता है, ठीक है। और एक होता है क्या कि डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि कोल हमारा केवल और केवल रियर साइड ऑफ डंपर में केवल अनलोड होता है, ठीक है। इस तरह से दो मेथड है तो इस पर हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे और कुछ स्पेशल खास बात जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग बकेट व्हील एक्सकेवेटर के बारे में चर्चा करते हैं। तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर हमारा किस तरह से वर्किंग में लाया जाता है, ऑपरेशंस में लाया जाता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो है सॉफ्ट ओबी और लिग्नाइट को हमारा क्या करता है, बेंच फेस से होकर के 90 मीटर के दूरी तक जाके मतलब उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। मतलब कि ये 90 डिग्री टर्न ले सकता है बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ओके। और इसमें कुछ बातें हैं कि इसमें कितना बकेट होता है। तो एक होता है क्या 700 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का होता है, जो जिसमें 9 बकेट्स लगा होता है, और 1400 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का जिस जो होता है उसमें हमारा 10 बकेट्स अटैच होता है, ठीक है। इसके बाद बात आता है कि ये फेस से कोई भी मटेरियल को लेकर के 90 मीटर दूर तक गिराता है, ठीक है। और स्पेशली बोलते हैं कि इसमें एक बूम कन्वेयर होता है, कोई भी कटिंग हमारा मटेरियल होता है मतलब कट करके जो भी मटेरियल को ये करता है, जैसे सॉफ्ट ओबी को काटता है और लिग्नाइट को भी काटता है, लिग्नाइट कोल का ही टाइप है, ठीक है। तो जिसको लाल कोयला कहते हैं, ठीक है, भूरा कोयला सॉरी। इसके बाद हमारा बूम कन्वेयर में जैसे कोई भी कटिंग हमारा कोल है, जो भी कोल को काटता है बकेट, ठीक है। तो बकेट में अब यहाँ पे बात आता है कि बकेट का क्या स्पेसिफिकेशंस, माने हमारा व्हील में जो बकेट फिट होता है तो उसका क्या स्पेसिफिकेशंस है, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि व्हील में जो बकेट होता है, ठीक है। तो बकेट में जो टीथ होता है, दांता जो लगा होता है उसमें काटने के लिए, तो एक मैग्नीज स्टील का बना होता है। तो मैग्नीज स्टील हमारा केवल प्रीफर किया जाता है रॉक कटिंग के लिए, मतलब कि रॉक काफ़ी हार्ड ना हो तो उसके से मैग्नीज स्टील प्रीफर किया जा सकता है। लेकिन टंगस्टन कार्बाइड को बेसिकली यूज़ करते हैं वो हार्ड रॉक कटिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या करता है कि इसका बूम के बारे में हम यदि आते हैं, तो बूम 90 डिग्री तक स्विंग करता है हॉरिजॉन्टली। और एक बातें हम बताना चाहेंगे बकेट व्हील एक्सकेवेटर से कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर में हमारा 11 किलो वोल्ट तक TRS केबल के थ्रू हमारा पावर सप्लाई किया जाता है। और इसमें से कुछ बातें जैसे कि कोई भी कटिंग किया हुआ माल हमारा बूम कन्वेयर में आता है, बूम कन्वेयर से होते हुए सूट में जाता है, सूट से डिस्चार्ज कन्वेयर में, और डायरेक्ट इस तरह से माइन बेल्ट कन्वेयर में जाता है और हमारा ट्रांसपोर्टिंग सक्सेस होता है, ठीक है। और एक हमारा कि बूम हमारा अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। और ऐसे तो बता चुके हैं कि ट्रेलिंग केबल का लंबाई, इसका यदि पूछा जाए एक क्वेश्चन इधर से भी आ सकता है हमारा बकेट व्हील एक्सकेवेटर से, तो आप उसमें सस्पेंस में ना रहें। बकेट व्हील एक्सकेवेटर में हमारा 1000 मीटर लेंथ हमारा लंबाई का होता है ट्रेलिंग केबल। और ये चूंकि नेवली लिग्नाइट प्रोजेक्ट में केवल बकेट व्हील एक्सकेवेटर का इंस्टॉलेशन है, और उसमें से हमारा जैसे कि देखिए उसमें चार ओबी बेंच है और एक लिग्नाइट बेंच है, तो मतलब चार ओबी बेंच में चार हमारा बकेट व्हील एक्सकेवेटर और एक लिग्नाइट बेंच पे एक बकेट व्हील एक्सकेवेटर का इंस्टॉलेशन है।
और इस तरह से हम अब आते हैं सरफेस माइनर में, ठीक है। तो सरफेस माइनर में बेसिकली आपको जानना क्या है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सरफेस माइनर देखिए, इसमें हमारा चार क्रॉलर ट्रैक पर मतलब चार क्रॉलर ट्रैक होता है, ठीक है। और इस तरह से ये क्या करता है, काटता है, और वही विंड्रॉइंग मेथड से या तो डायरेक्ट मेथड से, दोनों मेथड से ये क्या करता है, अनलोड करता है कोल को, ठीक है। और तो इस पे हम बेसिकली चर्चा करेंगे। ये फिगर आपके सामने है ताकि पिक्चर से आप अनदेखा ना रहें। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको ऐसा आता है कि डायरेक्ट आपको पिक्चर दे देता है और फिगर से आपको पता करना पड़ता है कि ये किस तरह का अप्लायंस है, इसका क्या नाम है, ठीक है। तो इसलिए फिगर को आप सामने रख करके हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ में अनकन्वीनियंट महसूस ना हो, अनफैमिलियर महसूस ना हो। चलिए सरफेस माइनर पे आते हैं, ठीक है। तो सरफेस माइनर में कटिंग पिक्स जो लगा होता है तो वो टंगस्टन कार्बाइड का होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि इसमें फोर क्रॉलर ट्रैक माउंटेड होता है, मतलब चार क्रॉलर जो है ट्रैक माउंटेड होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें चार क्रॉलर ट्रैक होता है, ठीक है। इसके बाद उस पर ये हमारा इसका चेचिस मतलब कि पूरा ढांचा खड़ा रहता है, ठीक है, ट्रेवल करता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ इसमें बताया जाता है कि ट्रेलिंग केबल की लंबाई 200 से 400 मीटर गहरा होता है, मतलब ट्रेलिंग केबल लेंथ हमारा, सॉरी यहाँ ट्रेलिंग केबल नहीं होगा, मतलब ये कितना डिप तक ये कट कर सकता है, तो 200 to 400 mm डिप कट कर सकता है। और उसका विड्थ मतलब चौड़ाई, कटिंग का जो चौड़ाई होगा मतलब कि ये 200 से 400 मीटर mm डिप, 200 से 400 mm डिप कट ले सकता है। और उस कटिंग का विड्थ कितना होगा, कटिंग विड्थ 2.2 मीटर, ओके। कटिंग विड्थ हमारा कितना होगा, 2.2 मीटर। चलिए हम लोग इसमें और कुछ बातें देखते हैं। तो इसमें सेंट्रल बूम कन्वेयर होता है, जिस तरह से हमारा बकेट व्हील एक्सकेवेटर में पहले बूम कन्वेयर से फिर शूट में जाता था, शूट से फिर हमारा डिस्चार्ज कन्वेयर में होते हुए हमारा माइन केबल बेल्ट कन्वेयर तक पहुंचता था, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस पे जब हम बात आता है हमारा क्या सरफेस माइनर पे, तो सरफेस माइनर में क्या होता है कि सेंट्रल कन्वेयर होता है। सेंट्रल कन्वेयर मतलब कोल को काटता है, फिर सेंट्रल कन्वेयर पे जाता है, कोल एकुमुलेट होता है, फिर सेंट्रल कन्वेयर से कोल हमारा बूम कन्वेयर पे जाता है, बूम कन्वेयर से कोल हमारा फिर ट्रांसफर होते हुए आगे रियर एंड ऑफ डंपर पे हमारा अनलोड होता है, ठीक है। तो मतलब पीछे साइड डंपर का पीछे साइड अनलोड होता है। तो पहला क्या है कि सेंट्रल कॉन्वेयर पे जाता है कोल, सेंट्रल कॉन्वेयर से होते हुए दूसरा पॉइंट बूम कन्वेयर पे, और बूम कन्वेयर से फिर हमारा डंपर पे जाता है, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है कि हमारा विंड ड्रॉइंग मेथड है एक, और एक होता है डायरेक्ट डिस्चार्जिंग मेथड, ठीक है। तो हम विंड ड्रॉइंग मेथड बार बार फोकस कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें विंड ड्रॉइंग मेथड को समझ जाने का, ठीक है। तो इसमें एक हमारा आता है पॉइंट कि डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड, तो डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड में जो भी इम्प्योरिटीज़ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना कि आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, हमारा टाइम नहीं मिल पाता, या तो गुड सुपरविजन के एब्सेंस में हम लोग डायरेक्ट कोई भी चीज़ से तरह किसी क्वालिटी को कोल को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं जैसे जहाँ पे पहुँचना है। लेकिन विंड्रॉइंग मेथड में क्या होता है कि हम लोग कोल हीप बनाते हैं, उसमें एक सुपरविजन मैंने सुपरवाइजर को रख करके हम उसमें इम्प्योरिटीज़ को अलग करने का भी हमको मौका मिलता है। इस तरह से विंड्रॉइंग मेथड काफ़ी हेल्पफुल हो पाता है, ठीक है। और ये हमारा सरफेस माइनर क्या है कि 180 डिग्री टर्न ले सकता है, जैसे कि हमारा बकेट व्हील एक्सकेवेटर के बारे में भी जब बात आया तो 90 डिग्री टर्न ले सकता है बूम उसका, लेकिन इसमें हमारा 180 डिग्री टर्न ले सकता है, ठीक है। हो सक आई होप यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ साउंड प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस इट वेरी वेल, ओके। नाउ देखते हैं कि लखनपुरा ओसीपी में हमारा सबसे पहले बात, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि सरफेस माइनर सबसे पहले कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था इंडिया में, तो भारत में सबसे पहले लखनपुर ओसीपी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो कि MCL का है, उसको 1999 में इंस्टॉल किया गया था, मतलब 1999 में लखनपुरा ओसीपी MCL का जो है उसमें हमारा सबसे पहले सरफेस माइनर को देखा गया था, ठीक है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है कि इस पे मॉडरेटली डिपिंग जो है हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब कि हमारा 8 डिग्री तक यदि हमारा सिम माने इंक्लाइंड है, मतलब सिम का ग्रेडियंट यदि 8 डिग्री है तो वो हमारा काफ़ी इफेक्टिव माने इफेक्टिव केस माना जाता है, ठीक है। और काफ़ी हेल्पफुल होता है मतलब सरफेस माइनर को चलाने में, ऑपरेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट मोटर ग्रेडर, ठीक है। मोटर ग्रेडर क्या है,
इसका तो वर्क काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी फायदे वाला चीज़ है। मतलब ये कैसा मशीनरी है कि मतलब कि इसके एब्सेंस में हमारा वर्क को कन्वीनियंटली कैरी करना काफ़ी मुश्किल वाला होता है। ठीक है, तो मोटर ग्रेडर पे हम लोग चर्चा करते हैं। मोटर ग्रेडर एक ऐसा अप्लियंसेस है जो कि हमारा हॉल रोड को क्लीन करने में, उसका ग्रेडियंट को मिलाने में और क्या बोलते हैं लेवलिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मोटर ग्रेडर हम आपके सामने पिक्चर को ला रहे हैं ताकि आप इस तरह से मैंने क्वाइट श्योर हो लें कि हमारा मोटर ग्रेडर ही इसी को कहते हैं। इसमें एक सेंट्रल है हमारा जो दिख रहा है, एक पार्ट ये सेंट्रल है, इसको इसको ये हमारा कटिंग ब्लेड है। ठीक है, कटिंग ब्लेड है, ओके। और ये जितना भी टायर है सब हमारा न्यूमेटिक टायर है, न्यूमेटिक टायर है, ओके। और चलिए इसमें हम आगे देखते हैं इसके बारे में क्या पॉइंट है। काफ़ी शॉर्ट फंक्शन है लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल मैंने पहुँचाता है, मैंने काफ़ी फ़ायदा लाभदायक लाभकारी वाला मशीनरी है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या, ये मोटर ग्रेडर को हम लोग रोड ग्रेडर के नाम से भी जानते हैं। इसका ब्लेड का लंबाई जो हम लोग देखें, या ब्लेड जो देखें, इस ब्लेड का लंबाई कितना होता है, इस ब्लेड का लंबाई 3.5 से लेकर के 4 मीटर इसका ब्लेड का लंबाई होता है। ये रिप्लेसेबल एज होता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बदल सकते हैं, इसका एज को रिप्लेस कर सकते हैं, बदल बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब 3.5 से 4 मीटर इसका, 3.5 से 4 मीटर हमारा ब्लेड का लंबाई होता है। फिर उसका बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, तो मैक्सिमम इसका स्पीड होता है 43.6 किलोमीटर पर आवर, ओके, 43.6 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमको इसमें कोई एक चीज़ जानना है कि इसका टर्निंग रेडियस मतलब कितना मीटर के रेडियस में घूम सकता है, तो 10.4 मीटर के रेडियस में मोटर ग्रेडर घूम सकता है। इतना चीज़ें जानकारी काफ़ी सफिशियंट है। और एक पूछा जाए कि मोटर ग्रेड में रफली आइडिया जो होना है क्या करता है, ये ग्रेडिंग करता है, क्लीनिंग करता है और लेवलिंग का काम करता है हॉल रोड का। फिर बोल रहा है ये कोई भी मटेरियल को लिफ्ट नहीं करता है। ये बात यदि पूछा जाए, एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आपके सामने रहे और आपको मिल जाए, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये कोई भी मटेरियल को लिफ्ट अप नहीं करता है, लिफ्टिंग नहीं करता है, ये केवल पुशिंग का काम करता है, पुश पुश करता है कोई मटेरियल को, हमारा स्क्रैप करके उसको पुश करता है। ठीक है, ठेलने का काम करता है। ठीक है, और हॉल रोड का ग्रेडिंग को अच्छा करता है, क्लीन करता है। इस तरह से ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, फॉर स्पेशली दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और यदि ये आपका किसी भी तरह से आपको यदि हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें अपने फ्रेंड्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू विथ माइनिंग सपोर्ट।